नमस्कार, मैं हूं राजेश सिंह, आप देख रहे हैं एनएम न्यूज। बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में चल रही राजनीति सरगर्मी और वहीं शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी द्वारा 25 नवंबर को अयोध्या जाने की तैयारी को लेकर विशेष चर्चा करेंगे। उप जिला अध्यक्ष मीरा भाईंदर से हमारे साथ विक्रम प्रताप सिंह है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की तैयारी चल रही है और क्या कुछ तैयारी अब तक शिवसेना की तरफ से आपको जिम्मेदारी दी गई है पूरे इस कार्यक्रम का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत उत्साह है। उद्धव जी अयोध्या में जा रहे हैं भगवान राम लला के दर्शन करने के लिए तथा वहां पे संत समाज का स्वागत करेंगे, आशीर्वाद लेंगे तथा सरयू घाट पे सरयू आरती करेंगे 24 तारीख शाम को, 25 और 24 शाम को हनुमानगढ़ी हनुमान जी का दर्शन करेंगे, 25 सुबह रामलला का दर्शन करने के बाद वहां रामकथा पार्क में एक आम सभा का आयोजन किया हुआ है, वहां पे वो अपनी बात कहेंगे। और बहुत ये खुशी की बात है कि ये एक तो धार्मिक यात्रा है, भावनात्मक यात्रा है, क्योंकि बाला साहब का हमेशा जो है एक वेदना रहा है कि अति शीघ्र कितना जल्दी जो है भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो, लेकिन उनके रहते हुए वो काम पूरा नहीं हो पाया है। तो उन भावनाओं को लेकर उद्धव जी अयोध्या नगरी में जा रहे हैं और रामलला के मंदिर के बारे में कहने और सरकार से पूछने जा रहे हैं कि कब बनेगा। सर, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके की वहां पर जिम्मेदारी, खास करके आपको जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि हाल ही में अभी जिस तरीके से यहाँ पे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी गए थे, आप द्वारा वहां पर शिवाजी मैनेजमेंट संभाल रहे थे, तो किस तरीके की तैयारी हो चुकी है और क्या क्या जवाबदारी आपको दी गई है? देखिये, हम लोग एक शिवसैनिक है, पार्टी के पदाधिकारी है, तो पार्टी द्वारा जो भी आदेश मिला है और उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। निश्चित तौर पे वहां जितने भी शिवसैनिक जाएंगे, जितने भी कार्यकर्ता राम भक्त जाएंगे, जितने भी महाराज की धरती से, उनका वहां रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो सारा व्यवस्था पूरा सुचारू रूप से हो चुका है। किस पार्क में अपना सभा होना है पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, वो पार्क का बुकिंग हो चुका है, सारे फॉर्मेलिटीज पूरे कर लिए गए, सारे लीगल जो है फॉर्मेलिटीज पूरे कर गए, पुलिस परमिशन हो गया है, सारी चीजों का जो है पूर्ववर्ती तैयारी बड़े सुचारू रूप से हम लोगों ने पिछले दौरे में माननीय हमारे संजय राउत जी, नरविकर साहब, हमारे थाने के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब, राजन बिचारे साहब खासदार थाने के, उनके साथ मैं और मेरे टीम के कई हमारे साथी, हमारे छोटे भाई शिवा सिंह जी, बहुत ही अच्छे से वहां है और बहुत ही सुंदर वहां पे एक उत्साह है संतों में, महंतों में, बाला साहब के प्रति जो लोगों का एक भाव रहा है पूरे देश में, पूरे हिंदू देश में, पूरी दुनिया के हिंदुओं में, विशेष करके वहां के संत समाज के जो हमारे प्रमुख हैं, उनमें बहुत उत्साह है कि बाला साहब के पुत्र आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की धरती अयोध्या में आ रहे हैं, अयोध्या नगरी में, तो बहुत ही उत्साहित है 25 तारीख को लेकर, 24 तारीख को लेकर वहां के संत समाज जो है और वहां के हम लोग जो है कि हम उद्धव जी को सुनेंगे, उद्धव जी से मिलेंगे और उनका स्वागत करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का सपना भी था कि वहां पर राम मंदिर का भव्य निर्माण किया जाए, उस सपने को साकार करने के लिए उद्धव जी वहां के लिए दशहरे पे खास करके ऐलान किए और अब वो घड़ी नजदीक आ रही है जब अयोध्या पहुंचेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन उत्तर प्रदेश के वासियों को कि शिवसेना एक पार्टी है मुंबई में, उसे लेकर के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अनेकों प्रकार के रूप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे? देखिए, ये बाला साहब का हमेशा से पूरे दुनिया के हिंदुओं के लिए एक वेदना रहा है, एक समर्थन रहा है, एक संकल्प रहा है, इसीलिए वो हिंदू हृदय सम्राट कहे गए और वो अजर अमर रहेंगे। और भगवान रामलला जब वहां विवादित ढांचा गिराया गया तो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जिम्मेदारी लिया कि हाँ, हमने गिराया है, भारत के माथे पे कलंक जो था उसको गिराने के लिए हमने अपना योगदान, हमारे शिवसैनिक ने योगदान दिया है। और अब जो है भारत के माथे पे जो है तिलक कैसे लगे, भगवान राम का मंदिर, भगवान राम अयोध्या में जन्मे थे ये किसी से छुपा नहीं है, और भगवान राम के जन्म स्थान पे एक मंदिर हम नहीं बना पावे 125 करोड़ हिंदू हमारे जो है, 133 करोड़ हिंदुस्तानी जो है, तो कहीं कहीं शर्म की बात है। और हमेशा से बाला साहब जो है आवाज उठाते रहे और उद्धव जी ने आज आवाज उठाया है कि यथाशीघ्र जो है कानून सदन में लावे और शिवसेना उसका समर्थन करेगी और मंदिर बनाया जाए। और रही बात जो है उत्तर प्रदेश जाने की बात है,
तो एक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का एक सांस्कृतिक लगाव है, एक भावनात्मक लगाव है। करोड़ों करोड़ों उत्तर प्रदेश से लोग आके यहाँ महाराष्ट्र की धरती पे रोजी रोजगार करते हैं, और जो 65 सालों से आरोप लगाते हुए विपक्षी पार्टियां ये एक शिवसेना को कहेंगे आरोपित करती आई कि शिवसेना उत्तर भारतीयों की विरोधी है। देखो शिवसेना के पक्ष प्रमुख उत्तर प्रदेश की धरती पे जो है एक संस्कृतियों का मेल, ये ऐतिहासिक यात्रा है। इसे मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र का जो एक भावनात्मक लगाव है सदियों से, भगवान रामचंद्र जी सबसे अपने वनवास में सबसे ज्यादा समय महाराष्ट्र की धरती पे बिताए थे, और कहीं न कहीं हमारे शिवाजी महाराज का राज तिलक करने गागा भट्ट यहाँ पे आए थे। उसी तरीके से करोड़ों लोग आके यहाँ पे रोजी रोजगार करते हैं महाराष्ट्र की धरती पे जो है, उसी भावनात्मक लगाव के तहत जो है एक ऐतिहासिक मोड़ जो है यहाँ की के लोगों के लिए है कि हमारे शिवसेना के पक्ष प्रमुख उत्तर प्रदेश में जाके भगवान राम के मंदिर के निर्माण के बारे में बात करने वाले हैं, लोगों से मिलने वाले हैं। तो पूरा उत्तर प्रदेश जो है स्वागत उनका करने के लिए पलक पाड़क बिछाए हुए खड़ा है कि हमारे जो है शिवसेना पक्ष प्रमुख यहाँ आ रहे, बाला साहब के पुत्र आ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की धरती पे जो है। तो ये हमारे साथ विक्रम प्रताप सिंह थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के उस सपने को साकार करने के लिए शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके शिव सैनिक अब अपनी कमर कस चुके हैं। 25 तारीख का जो नजारा होगा वो अपने आप में एक अद्भुत और भव्य नजारा देखने के लिए मिलेगा। राम मंदिर से लेकर के उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी यह पल काफी ऐतिहासिक होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ मुरारी सिंह, एनएम न्यूज, मुंबई। आरो खबरेर अपडेट पेते सब्सक्राइब करुन आमादेर यूट्यूब चैनल टी और बेल आइकने क्लिक करुन नोटिफिकेशन्स पेते।